जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एनएफए नेट क्लास में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर ये मेरी तीसरी वीडियो है और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ छात्रों के इनरोलमेंट में होने वाली कटौती से संबंधित। उसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या कदम उठाया गया है कि जो कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स है उसको क्या किया जा सके, उसको धीरे धीरे जो है वो आपका कम किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ फर्स्ट सेक्शन में हमने स्ट्रक्चर देखा था जहाँ पर मेनली फोर्थ सेक्शन जो है एनईपी का है, वहाँ पर भी ये डिस्कस है 1.4 में कि करिकुलम एंड पेडागॉजी इन स्कूल। तो क्या क्या चीज़ें होने वाली है, दो चीज़ें होने वाली है। एक, हम लोग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी बात करने वाले हैं। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% पहुँचाने का टारगेट जो है वो, उस पर हम बात करेंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाए इस पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ जो 5-3-3-4 का जो हम लोग देखने वाले हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वो लेवल जो है, वो स्टेजेस क्या होते हैं, वो सारी चीजों पर डिस्कशन होगा। साथ ही जो सवाल होते हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं पिछले कुछ समय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं। ड्रॉप आउट हो रहे हैं मतलब कि पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। तो जो पढ़ाई छोड़ने वालों बच्चों की संख्या है उसको कम करने की बात की जा रही है, ठीक है, उस पर कटौती करना। तो कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स, और साथ ही साथ क्या बात किया जा रहा है, तो सभी के लिए, ठीक है, ऑल लेवल्स के लिए क्या करना है, यूनिवर्सल एक्सेस करना है एजुकेशन को। ठीक है, सभी स्तरों को शिक्षक जो है, शिक्षा को क्या करना है, सार्वभौमिक बनाना है, सभी के लिए तैयार करना है। कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या ना हो, शिक्षा से वंचित ना रह जाए, इस पर बात की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बात किया गया है कि जितने भी स्कूलिंग है, जैसे प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर 12वीं तक क्या किया जाए, तो इसमें एक एम रखा गया है 2030 तक 100% का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लाया जाए। कोई भी बच्चा उस बीच में स्कूल एक बार ज्वाइन करने के बाद उस बीच में क्या ना करे, स्कूल छोड़े ना, ड्रॉप आउट ना करे, उसके लिए जो है वो टारगेट रखा गया है। साथ ही साथ दूसरी जो मैं एम बताता हूँ वो है कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए क्या पहल किया जा रहा है कि इफेक्टिव और सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ठीक है, इफेक्टिव और सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। और साथ ही साथ अल्टरनेटिव और इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स जो है वो किए जाए, जिससे क्या इंश्योर हो सके कि बच्चों की जो ड्रॉपिंग आउट रेट है वो धीरे धीरे क्या हो, कम हो, और सभी बच्चे वापस जो है वो आ सके किसमें, मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या ध्यान रख रहे हैं, इफेक्टिव सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्टरनेटिव और इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स की बात कर रहे हैं, जिससे इंश्योर किया जाए कि जो ड्रॉप आउट रेट है स्टूडेंट्स का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, कटौती हो रही है, इस पर बात किया गया है। यहां क्या बात किया गया है कि भाई आप कैसे, किस तरीके से ड्रॉप आउट रेट को जो है वो कम करेंगे, कटौती कैसे लाएंगे। तो उसके लिए क्या बताया गया है कि कुछ काउंसलर्स होंगे, कुछ वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स होंगे, जिनको स्कूल से क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए। और साथ ही साथ जो टीचर है वो टीचर भी पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ काम करेंगे, ताकि क्या किया जाए, और ये सुनिश्चित करते रहेंगे कि स्कूल जाने वाले सभी बच्चे अभी फिलहाल स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हमारे आसपास जो लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वो देखेंगे कि कोई बच्चा है जो कुछ कारणों से अब स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो वो चीज़ों को देखने की बात हो रही है। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे, काउंसलर्स हैं, वेल ट्रेंड सोशल वर्कर्स हैं, ठीक है, वो कनेक्ट होंगे स्कूल के साथ, और साथ ही साथ टीचर्स भी जो है कंटिन्यूअसली वर्क करेंगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ। इसके लिए इनिशिएशन भी है बहुत सारे, जैसे पहले एक इनिशिएशन था सर्व शिक्षा अभियान, और अब फिलहाल हम उसको समग्र शिक्षा के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन RTE की बात की जाती है, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते उनके लिए जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन के लिए RTE एक्ट की हम लोग बात करते हैं, जिसको कहा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ये क्या है, ये पहल है, ये सारे पहल किस चीज के लिए है, तो ये पहल है आपके जो ड्रॉप आउट रेट है, उस ड्रॉप आउट रेट को क्या करना, कम करना। जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उसके बावजूद बीच में स्कूल ड्रॉप कर दे रहे हैं, तो उनको जो है वो करना, और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है उसको 2030 तक 100% तक लाने की बात हो रही है। उसके लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर रखने की बात हो रही है। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का चौथा जो गोल है हमारा, वो है क्वालिटी एजुकेशन।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है और शिक्षा पहले वहाँ बच्चे आने चाहिए, अगर बच्चे आने बंद होंगे तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो तैयार की जा रही है वो फिर उपयोगी नहीं हो पाएगा। दूसरा जो पाठ हमारा इस वीडियो का है वो है करिकुलम को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर और शिक्षा शास्त्र को लेकर, पेडागॉजी को लेकर, शिक्षण शास्त्र, वो भी स्कूल में। तो लर्निंग को कैसा होना चाहिए, जो सीखना है वो सीखना कैसा होना चाहिए, तो हॉलिस्टिक होना चाहिए, मतलब समग्र होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए, आनंददायी होना चाहिए और साथ ही साथ इंगेज रखने वाला होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। इसको करने के लिए क्या किया गया है, तो स्कूल करिकुलम को रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है। तो रीस्ट्रक्चर जो किया गया है स्कूल एजुकेशन और पेडागॉजी को वो है 5-3-3-4 में। पहले 10+2 था, अब वो किस में हो गया है, 5+3+3+4 में हो गया है, जिसको चार डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया गया है। और ये चार लेवल है वो किस एज रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष। ये देखते हैं कि वो स्टेज क्या क्या है और उन स्टेज में क्या महत्वपूर्ण चीजें जो है वो हमको याद रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए सवालों को, ठीक है। मुख्यतः यहाँ पर देखिए हमने क्या बात किया, तो एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है करिकुलर और पेडागॉजी के लिए, वो है 5+3+3+4, जहाँ चार स्टेज की बात की जा रही है। पहला स्टेज क्या है, तो पहला स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, फिर से एक रिवीजन है, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे तीसरी वीडियो मेरी है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों को देखने को मिलेगा टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज के 2 पार्ट है, पहला पार्ट 3 साल के लिए, ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो 2 साल के लिए है, 5 साल का पूरा पार्ट है ये फाउंडेशनल स्टेज, 5 साल के लिए रहेगा और ये 5 साल का जो रेंज है वो 3 से 8 साल के लिए है। शुरुआती 3 से 6 साल तक बच्चा जो रहेगा वो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल्स में रहेगा, उसके बाद जो बचे 2 साल रहेंगे उसमें प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 2 तक जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कक्षा 1 में प्ले बेस्ड मॉडल की जो बात की गई थी, ठीक है, प्ले बेस्ड लर्निंग मॉडल की जो बात की गई थी वो हमारा पार्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रीप्रिएटरी स्कूल अलग चीज है, प्रीप्रिएटरी आपका क्या है स्टेज अलग चीज है, तो प्रीप्रिएटरी स्कूल्स में डालने की जो बात है प्रायर द एज ऑफ 5-5 वर्ष से पहले तक की बात हुई है वो इसी में कवर हो जाता है। फिर दूसरा स्टेज अगर बात करें, प्रीप्रिएटरी स्टेज अगर हम लोग बात करें तो प्रीप्रिएटरी स्टेज जो हमारा होगा 3री से 5वीं तक होगा। ये एज ग्रुप क्या रखेगा, तो एज ग्रुप 8 से 11 का होगा, ठीक है। नेक्स्ट मिडिल स्टेज जो है, मिडिल स्टेज क्या है, ग्रेड 6-8 और ये 11 से 14 साल को कवर करेगा। और लास्ट स्टेज जो स्कूल एजुकेशन में रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी स्टेज, जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक को जो है वो रखेगा। 2 फेस होंगे, जहां 9वीं से 10वीं फर्स्ट फेस होगा और 11वीं से 12वीं जो है वो दूसरा फेस होगा, जहां पे हम लोग व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित चीजों पर भी बात करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या हर स्टेज में जो है वो पहल किया जा रहा है। सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज 5 साल की बात है, फ्लेक्सिबल होगा, मल्टी लेवल होगा, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, करिकुलम और पेडागॉजी जो होगा वो आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे काम करने की बात की गई है, ECCE, जिसमें मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, फर्स्ट वीडियो जो मेरा था इस पे था अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रीप्रिपरेटरी स्टेज, तो प्रीप्रिपरेटरी स्टेज में क्या करने वाले हैं, खेल खोज और गतिविधि, क्या क्या चीजें बात हो रही है, खेल खोज और गतिविधि की बात हो रही है, ठीक है। तो प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी, प्ले डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड जो होगा वो ये सेक्शन होगा प्रीप्रिपरेटरी, ठीक है। जो फाउंडेशनल स्टेज है उसके साथ साथ जो उसकी शुरुआत हुई है उसी को अब जो है वो डिटेल में लाने की बात की जा रही है। फॉर्मल रहेगा, यहाँ पर क्या क्या चीजें सीखने की बात हुई है, तो यहाँ पर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, फिजिकल एजुकेशन, ये सब चीजें जो है वो जरूरी होगी जो बच्चा लेके आएगा। लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, ये पार्ट रखा गया है कहाँ पर, प्रीप्रिपरेटरी स्टेज में। प्रीप्रिपरेटरी स्टेज, प्रीप्रिपरेटरी स्कूलिंग, दोनों अलग अलग पार्ट हो जाता है। द मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज जो तीसरा स्टेज है इस करिकुलर का, इस पाठ्यक्रम का, इसमें क्या बात किया गया है मिडिल स्टेज में, तो 3 साल का एजुकेशन होगा, ठीक है, 6वीं, 7वीं और 8वीं। और ये एजुकेशन जो होगा वो पेडागॉजिकल और करिकुलर स्टाइल जो होगा यहाँ पे, जो प्रीप्रिपरेटरी स्टेज से लाया गया, साथ ही साथ अब सब्जेक्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा टीचर्स, ठीक है, लर्निंग के लिए, डिस्कशन करने के लिए बनाया जाएगा। सब्जेक्ट्स जो है वो अब लेके आएंगे, साइंस है, मैथमेटिक्स है, आर्ट है, सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज है,
है ना, ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट के साथ लर्निंग की बात की जा रही है प्रत्येक सब्जेक्ट में। एक्सप्लोर करने की बात की गई है, अलग अलग स्टेज में सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की बात की गई है। ये सारी चीजें होगी, प्रोत्साहित करेंगे ये सब करने के लिए मिडिल स्टेज में, छठवीं से आठवीं सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया गया। आखिरी जो स्टेज है वो आपका है सेकेंडरी स्टेज, 4 साल का होगा, जिसको 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं। इस 4 साल का जो अध्ययन रहेगा यहां पर मुख्य जो होगा वो आपका क्या होगा, उन्मुख शिक्षा क्रमीय होगा, उन्मुख मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी होगी, ठीक है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजिकल करिकुलर स्टाइल होगा मिडिल स्टेज में, बट ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा, ग्रेटर, ठीक है, थोड़ा सा जो छठवीं आठवीं था वो ज्यादा डेप्थ में नहीं था, यहां पर अब थोड़ा डेप्थ हो जाएगा, ग्रेटर डेप्थ होगा, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग होगी, ग्रेटर अटेंशन होगा, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और स्टूडेंट को च्वाइस होगा सब्जेक्ट को चूज करने के लिए, अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन जो है वो आगे चल के ऑप्शन देख सकते हैं ग्रेड 11-12 में, ये भी उनको रखा गया है, ठीक है, ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं बिना, आप वो चाहे जो भी विकल्प करना चाहते हैं वो विकल्प जो है वो चूज कर सकते हैं। और डीप जो है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बात करी गई है, ज्यादा से ज्यादा उस विशेष सब्जेक्ट पर काम करने की। सवाल अगर देखा जाए तो सवाल में ये पूछा गया कि फाउंडेशनल स्टेज में कौन कौन आएगा, तो फाउंडेशनल स्टेज 2 पार्ट में होते हैं, पहला होता है 3 साल से 6 साल तक, ठीक है, उसके बाद आपका जो होता है जहां आंगनबाड़ी प्री स्कूल और बाल वाटिका आता है, और फिर 2 साल का जो होता है वो आपका क्या होता है क्लास 1 और 2 होता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड है, ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा राइट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेजेस से लेकर, ईयर का रेंज पूछा जा सकता है, ठीक है, और कौन शामिल होगा ये पूछा जा सकता है। इसी के साथ एक और सवाल देखिए, यहां पर क्या पूछा गया है कि किस चीज पर जोर देने की बात हो रही है एनईपी में, ठीक है, फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, ओनली द एस्पेक्ट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, केवल संज्ञानात्मक विकास की बात की जाएगी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का मानकीकरण होगा, या बच्चों की याद करने की क्षमता का मापन होगा। तो क्या है, फ्लेक्सिबल है, मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है, फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अगला सवाल देखिए क्या है, कौन से स्टेज में स्कूल एजुकेशन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी कोर्स में और साइज करने में सब्जेक्ट्स के स्टडी के लिए। तो अभी हमने देखा वो सबसे ज्यादा ऑप्शन हमने जो देखा आपका सेकेंडरी लेवल, ठीक है, कौन से लेवल पे बात की जा रही है, सेकेंडरी लेवल पे बात की जा रही है, सेकेंडरी स्टेज पे हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। सवाल देखते हैं अगला जो है वो क्या पूछा गया है, ये लास्ट सवाल जो है वो क्या है, एनईपी 2020 में किस कक्षा तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। तो शुरुआत कहां तक रखी जाएगी, ग्रेड 5 तक रखी जाएगी, एटलीस्ट कम से कम ग्रेड 5 तक रखा जाए, और प्रिफरेबल कहां तक होगा, टिल ग्रेड 8। और मैंने आपको बताया भी था अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में कि इसके आगे भी कोशिश किया जाए कि क्या यूज किया जाए, मातृभाषा का, घरेलू भाषा का, स्थानीय भाषा का और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाए। इसको हमने जो है वो मल्टी लैंग्वेज वाला जो पार्ट देखा था, उस मल्टी लैंग्वेज पार्ट में 3 लैंग्वेज जो हमने देखे थे वहां पर, यहां पर हमने जो है वो बात की थी जो है वो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो मुख्यतः क्या थे, तो जो ड्रॉप आउट रेट है स्कूल एजुकेशन में, वो ड्रॉप आउट रेट को किस तरीके से कटौती किया जाए, किस तरीके से उसमें कर्टेलिंग किया जाए, उससे रिलेटेड जो है वो बात हमने की। और साथ ही साथ हमने बात किया कि जो स्कूल एजुकेशन में जो नया करिकुलम है, नई पेडागोजी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उससे रिलेटेड एक और वीडियो मैंने जो बनाया था अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में, वहां पर भी हमने इन स्ट्रक्चर्स पर जो है वो मुख्यतः फोकस किया था। 3 वीडियो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी अब तक बना लिए हैं। आप सभी मोर डिटेलिंग अगर इन क्वेश्चंस को देखते हैं, और साथ में जो क्विज हम शेयर करते हैं आपके साथ टेलीग्राम में, वो अगर आप मैनेज करते हैं, वो अगर आप रेगुलर बेसिस में देखते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जो भी क्वेश्चन आपके लिए होगा वो पूरी तरीके से आपके द्वारा सॉल्व हो जाने वाला है। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है वो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अभी हमारे वीडियोज़ का व्यूज़ बहुत कम है क्योंकि इतना ज़्यादा रिकमेंडेशन स्टार्ट नहीं हुआ हमारे वीडियोज़ पर, इन टॉपिक्स पर हमारे जो वीडियो बन रहे हैं लगातार, हमने 10-12 वीडियोज़ अभी बहुत सारे बनाए हैं किस पे, EMRS एग्जाम पे। तो आप सभी जो है वो क्या करें, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम क्या कर सकें, हम आपके लिए और ऐसे फ्री वीडियो अवेलेबल करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।